दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि किस जानवर के कान सबसे बड़े होते हैं तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा हाथी। एक तरह से आप सही भी हैं, क्योंकि दोस्तों अफ्रीकी हाथी के कान बाकी सभी जीवित जानवर के कान से बड़े होते हैं। लेकिन अगर बात करें शरीर के मुकाबले बड़े कानों की, तो इसमें नटखट चूहे से लेकर हिरन का नाम भी शामिल है। बेशक ये सुनकर आपको झटका लगा होगा, मगर मानो या ना मानो, ये बिल्कुल सच है। ये जीव अपने बड़े कानों की वजह से खूब वाहवाही बटोरते हैं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं दोस्तों दुनिया के 10 सबसे बड़े कानों वाले जानवरों पर। नंबर 1, फेनिक फॉक्स। छोटे आकार वाले फेनिक फॉक्स अपने असामान्य रूप से लंबे कानों के कारण काफी फेमस है। अपने बड़े कानों की मदद से ये लोमड़ी न केवल दूर बल्कि अंडरग्राउंड छिपे शिकारों को सुन सकती है। फेनिक के कान इनके शरीर के तापमान को रेगुलेट करने में भी मदद करते हैं। यह उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानों के मूल निवासी है और इसने अपने आप को पृथ्वी पर सबसे कठोर जलवायु में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया है। इस लोमड़ी की दोस्तों क्यूटनेस की वजह से कुछ लोग फिनिक्स को घरों में पालना भी पसंद करते हैं। फिनिक्स लोमड़ी की सबसे छोटी प्रजाति है, जो लंबाई में सिर्फ 14 से 16 इंच लंबी और 2 से 3 पाउंड तक वजनी होती है। फेनिक लोमड़ियां दोस्तों मुख्य रूप से निशाचर होती हैं, जो दिन का अधिकांश समय रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए भूमिगत बिल में बिताती हैं। ये शाम के वक्त शिकार के लिए निकलती हैं। फेनिक्स लोमड़ियां सर्वाहारी होती हैं, जो मुख्य रूप से कीड़ों को खाती हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा ये स्मॉल रोडेंट्स, लिजार्ड्स, पक्षी और इनके अंडे भी खा सकती हैं। नंबर 2, म्यूल डियर। वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले हिरन की दोस्तों ये प्रजाति अपने आकर्षक सींगों से सभी को अट्रैक्ट करती है, मगर इसके साथ ही दोस्त इनके कान भी कुछ खास कम नहीं है। इनके बड़े कान हिरन को दूर से झाड़ी में शिकार की सरसराहट को समझने में बहुत मदद करते हैं। कोयोट, भेड़िए और कॉगर द्वारा इनका शिकार किया जाता है। म्यूल डियर का नाम दोस्तों इनके कानों के कारण रखा गया है, जो खच्चर के समान पड़े हैं। इनके आकार की बात करें तो खच्चर हिरन काफी लंबे चौड़े होते हैं। कंधे पर इनकी हाइट 3 से 3.5 फीट होती है और लंबाई में ये 4.5 से 7 फीट तक लंबे होते हैं। इनका वजन दोस्तों 130 से 280 पाउंड के बीच हो सकता है। मादा हिरन नर से छोटी होती है। गर्मियों में इनके कोट का रंग रेडिश ब्राउन होता है, जबकि सर्दियों में ब्लू ग्रे होता है। इनके पास एक छोटी संकीर्ण सफेद पूंछ होती है, जिसमें एक काला सिरा होता है। नंबर 3, ब्लैक टेल्ड जैक रैबिट। इस लिस्ट में दोस्तों काली पूंछ वाला जैक रैबिट का नाम भी शामिल है। इसे अमेरिकी रेगिस्तानी खरगोश के रूप में भी जाना जाता है। इसे पकड़ना काफी मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों ये घंटे में 40 मील तक की गति तक पहुंच सकता है और 15 फीट से भी ऊंचा कूदने में सक्षम है। ये वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको का एक आम खरगोश है, जहां यह समुद्र तल से 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये जानवर शाकाहारी है, जो शिकारियों का पता लगाने और उनसे बचने के लिए अपने लंबे कानों का बखूबी इस्तेमाल करना जानता है। जब यह कोयोट, लोमड़ी, बॉबकेट्स, बैचर्स और वेसल्स जैसे शिकारियों से बचने की कोशिश कर रहा होता है, तब ये जिगजैग पैटर्न में चलता है। एक शिकारी द्वारा धमकी दिए जाने पर यह अपनी पूंछ के नीचे का सफेद भाग चमकाता है। नंबर 4, सर्वल। सर्वल दोस्तों एक मीडियम साइज की वाइल्ड कैट है, जो अफ्रीका के सवाना के मूल निवासी है। ये मछलियों, पक्षियों, छोटे जानवरों, रेप्टाइल्स, मेढक और यहाँ तक कि कीड़ों को भी खाती है। इनके पास भी बड़े कान होते हैं, जो इन्हें शिकार का पता लगाने और बड़े शिकारियों से बचने में अहम भूमिका निभाते हैं। सर्वल कुशल शिकारी होते हैं, जो अपने शिकार को दोस्तों हवा में ऊंची छलांग लगाकर और अपने टारगेट को झपटकर पकड़ना अच्छी तरह से जानते हैं। ये खतरनाक जानवर अकेले रहना पसंद करते हैं और केवल ब्रीड के समय ही साथ नजर आते हैं। एक अडल्ट सर्वल लंबाई में 83 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है और इनका वजन लगभग 12 किलो होता है। नंबर 4, कैलिफोर्निया लीफ नोज पैट। चमगादड़ का नाम सुनकर दोस्तों आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भला क्यों चमगादड़ का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। मैं आपको बता दूं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े कान वाले चमगादड़ की एकमात्र प्रजाति है। इनके सुनने की क्षमता दोस्तों इतनी अच्छी है कि ये झींगुरों के चलने की आवाज को भी समझ सकते हैं। इनके नाक के ऊपर एक उभरी हुई ट्रायंगुलर संरचना होती है, जिसके कारण दोस्तों इनका नाम लीफ नोज पैट पड़ा है। बड़े कान वाले चमगादड़ की ये प्रजाति मुख्य रूप से कैलिफोर्निया, नेवादा, एरिजोना और मैक्सिको में व्यापक रूप से फैली हुई है। ये मुख्य रूप से दोस्तों रेगिस्तानी झाड़ियों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। साथ ही गुफाओं और खानों में बसेरा करने के लिए भी ये जाने जाते हैं। ये मुख्य रूप से कीड़े खाते हैं, लेकिन दोस्तों अपनी गुफाओं के पास पाए जाने वाले कैक्टस के फलों को भी ये खाना पसंद करते हैं। ये चमगादड़ मुख्य रूप से दृष्टि से शिकार करते हैं, लेकिन दोस्तों जरूरत पड़ने पर एकोलोकेशन का उपयोग ये कर सकते हैं। नंबर 6, कैरकल। मीडियम साइज की इन बिल्लियों को दोस्तों रेगिस्तान लिंक्स के रूप में भी जाना जाता है। इनकी सबसे बड़ी पहचान बड़े टफ्टेड ईयर्स हैं।
इनके कानों पर 200 ब्लैक फर भी होता है। ऐसा माना जाता है कि कैरकल अपने ईयर टफ्ट्स का उपयोग विजुअल कम्युनिकेशन यानी दृश्य संचार के लिए करती है, क्योंकि दोस्तों इन बिल्लियों को एक दूसरे के सामने अपने सिर और कान टफ्ट्स हिलाते हुए देखा गया है। इनके पास एक्सट्रीमली सेंसिटिव हेयरिंग पावर होती है, क्योंकि दोस्तों इनके प्रत्येक कान में 20 मांसपेशियां होती हैं जो शिकार को ट्रैक करने में मदद करती हैं। कैरकल का नाम टर्की शब्द कैरकुलक से लिया गया है, जिसका अर्थ है ब्लैक ईयर। ये जीव पूरे अफ्रीका और भारत के उत्तरी हिस्से में पाए जाते हैं। ये जंगलों में स्वतंत्र रूप से और अपने मेट के साथ रहते हैं। ये अधिकतर रात के समय एक्टिव नजर आते हैं। कैरकल मांसाहारी होते हैं और ये मुख्य रूप से छोटे जानवरों, पक्षियों और मृगों को खाते हैं। हाइट में दोस्तों ये बिल्लियां 40 से 45 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं और इनका वजन 25 से 40 पाउंड तक होता है। एक कैरकल 50 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। नंबर 7, बैट ईयर फॉक्स। खतरनाक से दिखने वाले इस जानवर का नाम है दोस्तों बैट ईयर फॉक्स। इसका नाम इसके बड़े कानों के लिए रखा गया है, जिनकी थर्मल रेगुलेशन में मुख्य भूमिका होती है। इनके कान अत्यधिक विकसित होते हैं, जो इन्हें शिकारियों के आने की आवाज सुनने की परमिशन देते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है दोस्तों ये बीटल लार्वा हैचिंग की आवाज बड़े आराम से सुन सकते हैं। बैट ईयर फॉक्स अफ्रीकी सवाना में छोटे परिवार समूह में रहते हैं, जिनमें एक मोनोगैमस मेट जोड़ी और उनके बच्चे शामिल है। बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी माता पिता दोनों मिलकर निभाते हैं, लेकिन दोस्तों पुरुष आमतौर पर माता की तुलना में ज्यादा पालन पोषण करते हैं। इस लोमड़ी का लगभग 80% आहार कीड़ों पर निर्भर है, जिसमें मुख्य रूप से हार्वेस्टर, टर्माइट्स, जंग बीटल्स, लोकस्ट और ग्रास हॉपर शामिल हैं। बैच या लोमड़ियां अपेक्षाकृत छोटे कैनेट होते हैं, जिनका वजन दोस्तों 3 किलो से लेकर 5.3 किलो तक होता है। इनके सिर और शरीर की लंबाई 46 से 66 सेंटीमीटर, पूंछ की लंबाई 23 से 34 सेंटीमीटर, कंधे की ऊंचाई 30 से 40 सेंटीमीटर और विशेष रूप से बड़े कान 11 से 13 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। नंबर 8, बैसेट हाउंड। बड़े कानों के मामले में दोस्तों ये डॉग भी पीछे नहीं है। एक बैसेट हाउंड के ट्रेडमार्क फ्लॉपी कानों को लेदर्स के रूप में भी जाना जाता है। ये भी कहा जाता है कि डॉग ब्रीडर्स को इस विशेषता को कुत्ते में पैदा करने के लिए सदियां लगी हैं। आपको बता दें ये एक प्रकार के शिकारी कुत्ते होते हैं और इनके सूंघने की क्षमता भी दोस्तों कमाल होती है। इनके सूंघने की अविश्वसनीय कैपेसिटी के कारण इस नस्ल के डॉग्स को पुलिस टीम और रेस्क्यू टीम द्वारा अपने साथ रखा जाता है। 15 इंच से कम ऊंचाई के बावजूद बैसेट हाउंड एक मीडियम से बड़ा कुत्ता है। मादा का वजन 20 से 29 किलो और नर का वजन 25 से 34 किलो तक होता है। इनकी हाइट दोस्तों 28 से 38 सेंटीमीटर तक होती है। ये प्यार सा डॉग स्वभाव से काफी स्वीट, मिलनसार और स्नेही होता है। इस ब्रीड में दोस्तों आपको कई रंग देखने को मिल जाएंगे, जैसे ब्लैक एंड ब्राउन, ट्राई कलर, लेमन एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट एंड चॉकलेट और रेड एंड व्हाइट। नंबर 9, अफ्रीकन बुश एलिफेंट। अफ्रीकन बुश एलिफेंट दोस्तों दुनिया में सबसे लार्जेस्ट लैंड मैमल है और साथ ही ये 3 हाथियों की प्रजातियों में सबसे बड़ा है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक व्यस्क हाथी लंबाई में 13 फीट और 24 फीट ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इनका वजन 11 टन तक होता है। भले ही दोस्तों हाथी एक विशाल का जीव है, मगर ये अपना अधिकांश समय घास, पत्ते, छाल, फल और विभिन्न प्रकार के पत्ते खोजने और खाने में व्यतीत करते हैं। पूरे एनिमल किंगडम में हाथी के पास दोस्तों सबसे बड़े कान हैं, जो इन्हें सुनने की अनुमति देने के अलावा शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। साथ ही हाथी के बड़े बड़े कान इनकी आंखों और चेहरों से मक्खियों को दूर भगाने में भी सहायता करते हैं। हम आपको बता दें कि जरूरत पड़ने पर हाथी अपने भारी भरकम शरीर के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड तक दौड़ सकता है। इनका गर्भकाल 22 माह का होता है और जीवन काल 60 से 70 वर्ष है। नंबर 10, लॉन्ग ईयर जरबोआ। वैसे तो धरती पर रहने वाले जानवरों में दोस्तों हाथी के पास सबसे बड़े कान है, लेकिन अपने शरीर के आकार की तुलना में सबसे बड़े कानों वाला जीव जरबो है। इसके लंबे कानों के कारण इसका नाम दोस्तों लॉन्ग ईयर जरबोआ पड़ा है। आपको बता दें चूहे की शक्ल वाला ये जीव एक रोडेंट है, जो चीन और मंगोलिया के रेगिस्तान में रहता है। अगर आप इस क्यूट से जरबो को दिन के समय देखना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों ये एक निशाचर है और रात के समय ही एक्टिव रहता है। लंबे कान वाला जरबो सिर से दुम तक लगभग 4 इंच तक लंबा होता है, जिसमें इसकी पूंछ शामिल नहीं है। इसके कान दोस्तों 3.8 से 5 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। जरबो के कान गर्म व शुष्क वातावरण में भीषण गर्मी से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। साथ ही जरबो को अपने कीट शिकार और शिकारियों से आने वाली लो फ्रिक्वेंसिंग साउंड्स का पता लगाने में भी मदद करते हैं। इनके पास कूदने के लिए लंबे हैंड लेग्स भी होते हैं। अगर हाथी से इनके कानों की तुलना करें तो अफ्रीकी हाथी के कानों की लंबाई औसतन लगभग 4 फीट यानी कि 1.2 मीटर होती है, लेकिन दोस्तों ये उनके शरीर की लंबाई का लगभग 17% है, जो औसतन लंबाई 20 से 25 फीट है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और कौन सी वीडियो क्लिप सबसे अच्छी लगी, हाँ कमेंट कीजिए, बताइए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना है, राइट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।